नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सफलता की कामना करते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जीवन में असफलता चाहता हो। चाहे छोटे से छोटा कार्य हो या फिर बड़े से बड़ा कार्य, सफलता ही हमारी चाहना कामना रहती है। लेकिन ये भी सत्य है कि हम कभी सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सभी प्यारे प्यारे भाई और बहनें, आप सभी हमेशा सफल हों। इसीलिए आज आपके लिए सफलता की कुंजी लाए हैं। जानना चाहेंगे ना वो कुंजी क्या है? आइए सुनते हैं आज के सुवाक्य में छुपे हुए इस कुंजी को। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और दूसरे विचार अपने जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद। मित्रों, हमने सुना है कि अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख देखी, जबकि अन्य धनुर्धारियों को सब कुछ दिखाई दे रहा था। जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं तो आमतौर पर हम लक्ष्य को नहीं तोड़ते। अपने जीवन के उद्देश्य का पता लगाएं और विचलित हुए बिना उसका पीछा करने का निर्णय लें। परमात्मा कहते हैं कि अब किसी भी मनुष्य को सर्वोच्च लक्ष्य यही रखना है कि देवता के समान संपूर्ण बनना है। जब हम सफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सचमुच जानने को मिलता है कि कैसे वो अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डुबा देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। जब वो डूबते हैं तभी लक्ष्य हासिल हो पाता है। तो हम भी अपने जीवन के ध्येय के प्रति स्वयं को समर्पित कर दें, न्यौछावर कर दें, तो निश्चित रूप से सफलता हमें अर्जित होगी। तो लक्ष्य में तो डूबे ही, लेकिन अपने शरीर को भी ना भूलें, क्योंकि शरीर ही तो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तो आपकी सेहत आपके हाथ में, इसीलिए आपके शरीर का ध्यान रखते हुए आज आपके लिए सुंदर जानकारी लाए हैं फलों के महत्व के बारे में। आइए सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी जो आते हैं लगभग 24 फुट लंबी आते हैं। इवन जो बड़ी आते हैं उसमें भी काफ़ी मात्रा में विलाई रहते हैं, बड़े बड़े विलाई रहते हैं। और ये जो है इससे एक सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। और परंतु ये जो विलाई होती हैं इसमें हमारा अगर हम कुछ जंक फूड खाते हैं वो भी फंस जाता है। और उससे ये विलाई पे सेंसर लगे होते हैं इनके अंदर, स्पेशली आइलियम लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि सेंस करते हैं आज कितना भोजन हमको चाहिए, कितनी हमको आज ग्लूकोज चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना जिंक चाहिए, कितना कॉपर चाहिए, हर चीज़ के लिए कितना विटामिन ए चाहिए, कितना बी सी डी, जो भी हमारे फूड में अवेलेबल है वो अंत तक ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है। पर अनलक्कीली हम क्या करते हैं, हम जो कुछ जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं उससे हमारे वो जो सेंसर ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे फूड में फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। फाइबर जो है दो तरह का फाइबर है, एक सॉल्युबल फाइबर है, एक अनसॉल्युबल फाइबर है। एक सॉल्युबल फाइबर जो है हमारे जो फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सॉल्युबल फाइबर रहता है जो पानी में घुल जाता है। कोई भी एक फ्रूट, अमरूद हो, एक सीजन का उसको खा लें। ऐसे फिर एक फ्रूट आप 11 बजे के आसपास खा लेंगे तो आपका जो है एक लगभग 200 ग्राम के आसपास फ्रूट होने, तो एक फ्रूट भी काफ़ी है। एक एप्पल खा लें या एक दो संतरे खा लें या ऐसा कुछ भी खा लें। और शाम के टाइम में थोड़ा सा, फिर 4 बजे के आसपास, लंच के 2 घंटे बाद और नाश्ते के 2 घंटे बाद ये फाइबर लें। तो इससे आपके आंतें पूरी की पूरी साफ हो जाती हैं। एक बीच में इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाती है, लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत रहती है फ्रूट्स में। लगभग कहते हैं 15,000 से 20,000 लाइफ फोर्स एनर्जी होती है फ्रेश फ्रूट की। कोल्ड स्टोरेज वाले की 7,000 हो जाती है। तो बाई फ्रेश एंड ईट फ्रेश। तो अच्छे से वॉश कर लें और एक 11 बजे, एक 4 बजे फ्रूट खा लें, तो आप पाएंगे आपकी आंतें जो स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन बार बार हो जाता है, आपको जो वीकनेस लगती है हाथ पैरों में, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपके अंदर जो है जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप तीनों टाइम, एक सुबह 7 बजे के आसपास एक फ्रूट ले लें, एक 11 बजे और एक 4 बजे, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, खुश रखें और आपकी आंतें चमकती रहें, सेंसर ठीक से काम करेंगे। ओम शांति।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर अभी भी एक भ्रम है। अधिकांश भक्त देवधर झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर को असली वैद्यनाथ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग परली महाराष्ट्र के वैद्यनाथ को असली मानते हैं। जो भी वास्तविक है, एक बात निश्चित है, किंवदंतियों और कहानियों के अलावा यदि आप भगवान के वैद्य होने के इस गुण को समझते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। शरीर का उपचार कैसे होता है, यह जानने के लिए हमें मूल वास्तविकता पर वापस जाना चाहिए। आप शरीर में रहने वाली आत्मा है, जैसा आत्मा वैसा शरीर। आत्मा के गुण और संस्कार शरीर में प्रकट होते हैं। यदि आप सुख शांति और प्रेम फैलाने वाली आत्मा है तो आपके बीमार पड़ने की संभावना कम है। आधुनिक चिकित्सा कहती है 90% रोग मनोदैहिक होते हैं, अर्थात रोग का संचार मन से शुरू होकर शरीर तक पहुंचते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है कि 100% रोग मनोदैहिक ही होते हैं। आत्मा अगर शुद्ध है तो शरीर बीमार नहीं पड़ सकता। तो उपचार आत्मा का गुण है। आत्मा शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन अगर आत्मा खुद अज्ञानता, भय, आलस्य, संदेह और अन्य कमजोरियों से त्रस्त है तो शरीर का उपचार कैसे होगा। तभी हम वैद्यनाथ के अपार महत्व को समझते हैं। निराकार शिव प्रकाश के शाश्वत बिंदु परम उपचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे गुणों से स्वयं प्रकाशमान हैं। उसके गुण आत्मा की तरह कभी कम नहीं होते। आत्मा उनके अमृत के अविनाशी भंडार से जितना चाहे पी सकती है। शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और निरंतर स्मरण आत्मा को पवित्र और आध्यात्मिक गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण कर देगा और शरीर फिर कभी बीमार नहीं होगा। परमात्मा शिव के सुंदर लिंग के दर्शन करके कितनी आत्मतृप्ति मिलती है, और उन्हें ही तो हम सदियों से कहते आए हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम गाते आए हैं, लेकिन क्या इसकी अनुभूति भी हमें है कि वो हमारी माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं। इसकी सुंदर अनुभूति कैसे हो, आज शिव संदेश में आदरणीय सूर्य भाई जी इसी का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव जो बहुत सूक्ष्म है, जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वे हम आत्माओं के परम पिता भी हैं, तो परम शिक्षक भी हैं और परम सदगुरु भी हैं। उन्हें आप अपना सच्चा मन का मीत खुदा दोस्त भी बना सकते हैं, और वे आकर माँ का पाठ भी बजाते हैं, मात पिता भी बनते हैं। तो उनकी महिमा परम्पार है, लेकिन महिमा केवल गाने के लिए नहीं होती। वे परम शिक्षक बनकर ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ज्ञान ले लें। उस ज्ञान से बुद्धि दिव्य हो जाएगी, उस ज्ञान से बुद्धि तेजस्वी और अलौकिक हो जाएगी। उस ज्ञान को पाकर हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त हो जाएगी, हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम सद्गुरु बनकर वे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने महामंत्र दे दिया है, मन और बुद्धि मेरे से लगाओ, मेरे से जुड़ जाओ, मेरी ही बात सुनो, मुझ पर ही अपना सब कुछ बलिहार करो। बलिहार करने का अर्थ कोई सब कुछ देखे कंगाल बनना नहीं होता, सब कुछ देकर उससे सब कुछ प्राप्त करना, सूक्ष्म रूप से बलिहारी कर देना, मेरा सब कुछ तेरा है। तो शिव भोलानाथ भी है, बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपना सर्वस्व प्रदान कर लेता है। तो ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, भगवान से अपने सभी नाते जोड़कर सर्व संबंधों का परम सुख प्राप्त करने का।
भक्ति करते तो केवल गाते रहे, तुम मात पिता हो, बंधु सखा हो, गुरु हो, विद्या देने वाले हो, लेकिन अब जब वो स्वयं आकर प्रैक्टिकल में ये कार्य कर रहे हैं तो हमें उनकी आज्ञाओं पर चलकर उनसे नाता जोड़कर समीप नातों का सुख क्या होता है इसका अनुभव करना है। भगवान संबंधी बन गया है, भगवान हमारा हो गया है, अगर हम उससे ये सच्चा नाता जोड़ेंगे तो सचमुच बहुत समीपता का अनुभव करेंगे। जो दूरी है हमारे और भगवान के बीच में, वो दूरी खत्म हो जाएगी, हम उससे सच्चे मन से प्यार से कह सकेंगे मेरा बाबा। ओम शांति। सचमुच ईश्वर जिनके माता पिता हों वो कितने खुशहाल होंगे, कितने निश्चिंत होंगे, और यही खुशहाली और निश्चिंतता सेवा भाव, समर्पण भाव दिखाई देता है ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहनों में, और इसी भाव से भरकर वो जन जन की सेवा करते हैं। आइए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि वो किस प्रकार अपनी सेवा कार्यों का आनंद ले रहे हैं। अहमदाबाद के महादेव नगर सब जोन और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कनेक्ट टू सेल्फ, सोल एंड नेचर विषय पर स्पिरिचुअल रिट्रीट आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिलीप भाई गढ़वी और सचिव गार्गी बहन पटेल शामिल हुए। सभा में मौजूद चिकित्सकों को महादेव नगर सब जोन प्रभारी और युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बी के चंद्रिका, मेडिकल प्रभाग के सचिव बी के डॉक्टर बनारसी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के डॉक्टर कोकिला समेत संस्था से जुड़े कई वरिष्ठ लोगों ने संबोधित किया। ऊपर की ओर आगे बढ़िए। रिट्रीट के अंत में दिलीप गढ़वी, गार्गी बहन पटेल और डॉक्टर मौलिका पटेल ने सभी से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े रहने और मेडिटेशन को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इस पूरे रिट्रीट का कुशल संचालन संस्था से जुड़ी डॉक्टर मौलिका पटेल ने किया। मित्रों, लक्ष्य से हमने शुरुआत की थी और लक्ष्य पे ही आपको छोड़ा जा रहा हूं। कहीं मैंने बहुत सुंदर सी लाइन पढ़ी थी कि अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि तुम्हें अन्य बातों के लिए वक्त ही ना मिले। यदि हम महाभारत की बात देखते हैं तब भी वो प्रसंग हम हमेशा सुनते और सुनाते हैं कि गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों को कहा कि तुम्हें पक्षी के नेत्र में से नेत्र ही दिख रहा है या कुछ और भी। सभी ने कहा बहुत कुछ दिख रहा है, केवल अर्जुन को पक्षी का नेत्र ही दिख रहा था, इसलिए वो सफल हुए। और सचमुच यही जीवन को सार्थक करने की कुंजी है कि वही दिखे जो हम चाहते हैं, केवल हमारा लक्ष्य। इस पर विचार कीजिएगा और अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़िएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। ओम शांति।